आज हमारे सीएपीएफ के सभी कर्मचारियों के लिए, जवानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए, चाहे सीमाओं को अभेद रखना है, चाहे एयरपोर्ट और बंदरगाहों को सुरक्षित रखना है, चाहे दंगों के खिलाफ दंगाइयों को कठोर कार्यवाही से दंडित करना है, चाहे कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अंदर अपनी चुस्त मुस्तैदी से, इनकी उपस्थिति से देश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को मजबूत करना हो। सीएपीएफ के हमारे जवान हमेशा हमारी आंतरिक सुरक्षा का बहुत मजबूत और जरूरी पिलर रहे हैं, और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आज देश के अंदर विकास का नया एक युग जो शुरू हुआ है, भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का केंद्र बनने जा रहा है, इसमें आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले हमारे सीएपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा भूमिका है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और देश भर की पुलिस और हमारे सीएपीएफ के आज तक आजादी के बाद 35,000 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान अलग अलग मौकों पर आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए गवाई हैं। उनके यही बलिदान के कारण सीमाओं के अंदर देश के नागरिक चैन की नींद सो रहे हैं और सुनिश्चित होकर देश के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि जो जवान -43 डिग्री टेम्परेचर में और +43 डिग्री टेम्परेचर में सीमाओं की सुरक्षा करता है, उसके परिवार की चिंता करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार की होनी चाहिए, और जवान को उस चिंता से पूर्णतया मुक्त करना चाहिए। आज जो सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल अभी शुरू किया गया है, वो उसी श्रृंखला की एक अगली कड़ी है। मित्रों, सीएपीएफ ई आवास पोर्टल के कारण कई जगह पे कई आवास बने हुए पड़े हैं, खाली पड़े हैं, और जिनको चाहिए उसको आवास मिलता नहीं। दुर्भाग्य से हमारे सीएपीएफ में भी एक प्रकार की वर्ण व्यवस्था बन गई थी कि जो आवास जिसके लिए बने हैं वो ही वहां रहेंगे, मगर ये पूरी जाति व्यवस्था का आज सीएपीएफ ई आवास से आज से समापन हो जाएगा। खाली पड़े हुए आवास किसी भी सीएपीएफ के जवान के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।